हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस फ्रॉम मैप्ड। तो इसके पहले भी हम मैप के ज्योमेट्री बॉक्स आपके लिए लाए थे, बट गाइस ये जो बॉक्सेस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है मैप्ड का स्टडी 9 पीस सेट, मैप की तरफ से आने वाला असेंशियल 9 पीस सेट एंड द स्टडी स्टॉक फ्रॉम मैप्ड। तो गाइज ये जो तीनों बॉक्सेस हैं ये बजट प्राइसिंग इनका रखा गया है, इनका जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमको मिल जाते हैं 99, 160 एंड 235 रुपीज के लिए। तो सबसे कॉस्टली यहाँ पे स्टडी स्टॉप है ₹4,235 एंड सबसे सस्ता है मैप्ड का असेंशियल जस्ट ₹4,99, है ना। तो गाइज ये तीनों जो बॉक्स हैं काफी स्पेशल है, इनका जो प्राइस है काफी बार MRP से कम में भी मिल जाते हैं। तो आज हम इनको डिटेल में अनबॉक्स करने वाले हैं एंड एक एक चीज आपको बारीकी से बताएंगे कि क्या आपके स्कूल यूज के लिए ये बॉक्स वर्थ इट है या नहीं गाइस। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप ऑलरेडी आपने कर दिया होगा, बट नहीं किया तो उस लाल बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए एंड उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं, जिससे आप हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस मैं एक एक करके आपको ये जो तीनों बॉक्सेस हैं इनके बारे में सब कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस हमारे स्टडी स्टॉप के साथ, जो सबसे महंगा है, एंड धीरे धीरे करके हम सेकंड एंड थर्ड पे स्विच करते जाएंगे। नीचे टाइमलाइंस में गाइस आपको दिए गए हैं टाइम कोड्स, तो अगर आप चाहें स्पेसिफिक बॉक्स के बारे में देखना तो आप वहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं गाइस। बाकी आप तीनों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर कंपैरिजन समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे महंगा बॉक्स है या फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी बॉक्स अभी लग रहा है, जो कि है हमारा स्टडी स्टॉप गाइस। तो उसको सबसे पहले गाइस हम अनबॉक्स कर लेते हैं एंड देखते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट क्या क्या है। तो इस टाइप की कुछ पैकिंग हमको देखने को मिलती है एंड पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है यहाँ पे क्या क्या आता है इसके अंदर, कंपास, डिवाइडर, रूलर, रेजर एंड ऑल द थिंग्स। और इसका जो MRP मेंशन है वो 235 रुपीज़ है यहाँ पे। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के लिए आपको बस इस बॉक्स को यहाँ से पुल करना है और इस टाइप का आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, पूरा मेटेलिक बॉक्स है ना। स्टडी स्टॉप ऊपर मेंशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, एंड ये इस टाइप का कुछ दिखता है, पीछे कुछ भी नहीं है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको जूम इन करते हैं हम थोड़ा। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं इस बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ कि इन बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज की कुछ इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं गाइज यहाँ पे हमारे स्केल, प्रोटेक्टर एंड सेट स्क्वायर। तो गाइज़ ये हमें तीन चीज़ें, चार चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, है ना। इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का इसका प्रोटेक्टर दिखता है, काफ़ी क्लियर है यहाँ से, मार्किंग भी हार्ड है। यहाँ पे इनको लाइन्स को कनेक्ट नहीं किया गया है, है ना। यहाँ पे तो आई गेस थोड़ी सी देखने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं गाइस सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वैसे ये ज़्यादा यूज़ तो आप लोग करते नहीं होंगे। एंड रूलर जो हमारे पास है, तो दिस इज़ द रूलर। तो आप ये रूलर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैप्ड की ब्रांडिंग है एंड क्वालिटी जो है अच्छी है, मतलब स्केल की क्वालिटी भी, रूलर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। देख लेते हैं और क्या है गाइस बॉक्स के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास बॉक्स। मेन चीज़ जो एक ज्योमेट्री बॉक्स में होती है वो होती है कंपास एंड डिवाइडर। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो कंपास एंड डिवाइडर है वो दोनों सेपरेट मिलते हैं, नहीं तो गाइस काफ़ी सारे बॉक्स आजकल ऐसे हैं कि उसी में आपको एक ही कंपास मिलता है एंड उसी को आप चेंज कर सकते हैं डिवाइडर में। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अगर दो चीज़ें मिल जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है गाइस एक कंपास आ रहा है इसका, तो इसका कंपास मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू देता हूँ उसका। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, पूरा मेटेलिक कंपास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आया एंड इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है, इसको मैं अपन ओपन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी पेंसिल लगा सकते हैं नॉर्मल। तो कई बार दिक्कत हमको ये आती है कि हम इसको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट इसमें मेजर करते हैं, जब हम इसको रखते हैं तो ये कई बार मेजर करने में या सर्कल बनाने में लूज हो जाता है, बट इसके साथ आपको ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको यहाँ पे गाइस एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है काफ़ी अच्छा। तो इसको आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे ऐसा ओपन कर लिया, आपने मेजर कर लिया कुछ डिस्टेंस, देन आप इसको पकड़ के यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है आपको, है ना, घड़ी की डायरेक्शन में। तो ये जितना आप इसको करेंगे टाइट उतना टाइट ये हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा मेजरमेंट लेना है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट बार बार लेना है, तो आप इसको पूरा बंद कर दीजिए तो एकदम टाइट है। अभी ये देखिए मैं दबा के बताता हूँ, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहा हूँ, जनरली काफ़ी ज़्यादा है, आपको ऐसा वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये नहीं मूव हो रहा है। एंड देन अगर मैं इसको थोड़ा करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं बस टेम्परली मूव ना हो, तो फिर आप ये कर सकते हैं, तो उसमें ये हल्का सा मूव हो जाए, उसमें टाइट रहता है, मतलब काफ़ी टाइट है। जो नॉर्मल प्रोटेक्टर्स, जो नॉर्मल कंपास हमारे पास आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये टाइट है। नॉर्मल कंपास हमारे पास ऐसे ही आते हैं, वो बेसिकली फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं टाइट एंड लूज होने के लिए, तो उतना तो ये है ही। बाकी इसके ऊपर आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है गाइस, है ना। ओके, तो ये हमारे पास ऐसा कंपास आता है, इससे मैं आपको एक सर्कल बना के भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस,
ये मैंने इसमें पेंसिल लगा ली है एंड ये मैंने सर्कल बनाया, तो काफ़ी इजीली सर्कल बन जाता है ये कहीं पे भी। जो है इस कंपास कई बार क्या होता है ना, सर्कल बनाने में उठ जाता है, तो इवन आप इससे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करें या बड़े सर्कल्स ड्रॉ करें, ये ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आती है। एक और अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसकी जो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो थोड़ा सा बेंड है, इसकी वजह से ये उठता नहीं है गाइस। तो यहाँ पे आपको मैं इस पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है इसका पॉइंट, इसकी वजह से ये उठता नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस और देख लेते हैं क्या आता है, इसको रखते हैं साइड में। देन हमारे पास आ जाता है एक डिवाइडर, अगेन डिवाइडर आपको दिया गया है, मेटेलिक है पूरा, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो इस टाइप से ये दिखता है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, लाइट वेट ही है, मेटेलिक है, यहाँ से अंदर से ये इस टाइप का हॉलो है, बट काफ़ी अच्छी बिल्ड है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वेट भी नहीं है, काफ़ी कम भी नहीं है, जस्ट परफेक्ट। ये डिवाइडर है, इस टाइप से आप इससे मेजरमेंट लेके एंड सेक्शंस बना सकते हैं। इसको साइड में रखता हूँ मैं, उसके अंदर उसके बाद हमको देखने को मिलता है गाइज एक इरेजर, तो ये हमारे पास मैप की तरफ से एक इरेजर है, नॉर्मल इरेजर है, नथिंग स्पेशल, एंड एक शार्पनर है, काफ़ी क्यूट सा शार्पनर मुझको ये लगा है, तो नॉर्मल शार्पनर जैसा आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इनको मैं रख देता हूँ, और क्या मिलता है हमको देखने के लिए गाइज़, यहाँ पे हमको मिल जाती है एक नॉर्मल पेंसिल एंड एक मैकेनिकल पेंसिल देखने को साथ में। मैकेनिकल पेंसिल्स के साथ साथ आपको लीड्स भी दी गई हैं, ये लीड्स कितनी है मैं अगर आपको देख के बताऊँ तो लगभग मुझे 10 लीड्स लग रही हैं इसके अंदर, है ना। और ये एक पेंसिल है, तो इस पेंसिल को आप क्या कर सकते हैं, इस पेंसिल को आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैकेनिकल पेंसिल का एक फ़ायदा ये है कि आपको वापस शार्प नहीं करना होगी, आप बस इसको ऊपर से दबाएंगे तो लीड बाहर निकल जाएगी, है ना। ओके, ये तो आप इसको ऐसा लगा सकते हैं एंड ये इसको दबाएंगे तो आप ये इसका लीड जो है ऐसे आप देख सकते हैं, ये इसका लीड ऐसे बाहर निकलता है, आपको दिख रहा होगा, है ना। अंदर करने के लिए इसको दबा के इसको आप होल्ड करके दबाएं तो चली जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये कुछ हमारे पास अनबॉक्सिंग हमने इसकी कर दी है एंड ये कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक बार मैं सभी कुछ आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वो सारा मटेरियल है जो हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखने को मिल जाता है, मैकेनिकल पेंसिल, है ना, उसकी लीड, नॉर्मल पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, डिवाइडर, कंपास, स्क्रूलर, प्रोटेक्टर एंड सेट स्क्वायर एंड ये ऑफ कोर्स ये बॉक्स। तो गाइस ये हमको देखने को इसमें मिलता है। मुझे पर्सनली अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछे तो मुझे ये बॉक्स बहुत पसंद आया है, 235 रुपीस इसका MRP है। डेफिनेटली गाइस एक और बॉक्स हमने आपको रिकमेंड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बॉक्स था जो हमने आपको बेसिकली हमारे पुराने मैप्ड के कंपैरिजन में रिकमेंड किया था। अगर आप सोच रहे हैं कि कब वो वीडियो आया, तो गाइस आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पे आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, आप उसको ज़रूर चेक कर लें। तो बेसिकली ये विनर था स्टूडेंट्स के लिए हमारा कंपैरिजन में, तो इसका प्राइस 260 रुपीज़ अराउंड होता है गाइस, है ना, 260 इसका प्राइस होता है, 265। तो डेफिनेटली गाइस अगर 265 और 235 में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो फिर कंपटीशन टफ है, तो फिर इसको लेना ज़्यादा बेटर है। बट कई बार ना मैंने देखा है इसकी जो आपको प्राइस है वो अराउंड 170 तक मिल जाता है, 180 तक मिल जाता है, तो उस केस में गाइस ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। और मेन क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं पूरे मेटालिक चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, यहाँ भी मेटालिक था, बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। और हमारे इस वाले कॉलेज वाले के साथ जो आता था, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये इस टाइप का कुछ प्रोटेक्ट कुछ कंपास हमारे पास आता था, है ना। तो इसमें बेसिकली आपको कोई लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं था, ये काफ़ी टाइट है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक स्पेशल लॉकिंग मैकेनिज्म दिया है। अच्छा, इसमें मिसिंग क्या है, इसमें आपको यहाँ पे एक आपकी जो नेब है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है, कवरिंग दी गई है, ठीक है, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है, इसका रिव्यू हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको अराउंड 180-190 मिलता, तो ये बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी हमको चीज़ ऑफर करती है। तो गाइस बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। तो गाइस अब हमारे पास आ चुका है मैप्ड का स्टडी 9 पीस मैथ सेट, इसका जो MRP है गाइस वो है 160, है ना, काफ़ी बार 160 के नीचे भी आपको ये मिल जाता है, तो इस पर ऐसी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से, तो ये सेम मैकेनिज्म से अनबॉक्स होता है, और ये हमारा फाइनली बॉक्स है, तो ये ग्लॉसी फिनिश है, मेटेलिक है, कुछ यहाँ पे ग्रीन एंड ग्रे पैटर्न है, इसको ओपन करता हूँ, तो इस टाइप का गाइस ये कुछ बॉक्स दिखता है। इसके अंदर क्या क्या आता है बता देता हूँ, अगेन प्रोटेक्टर मैप की तरफ से सिमिलर प्रोटेक्टर है, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं गाइस सेट स्क्वायर, तो अच्छे सेट स्क्वायर हैं ये नॉर्मल, ठीक है, एंड उसके बाद एक हमेशा की तरह रूलर, तो यहाँ पे मैं रूलर निकाल लेता हूँ, तो ये हमें एक रूलर मिलता है 15 सेंटीमीटर्स का गाइस, सिंपल रूलर है, नथिंग स्पेशल, है ना, अच्छी क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं गाइस, मेन चीज़ हम अगेन देखते हैं वो है कंपास एंड डिवाइडर। तो यहाँ पे जो कंपास हमारे पास आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अगेन मेटेलिक है,
तो टोटली मेड अप ऑफ मेटल, एंड मुझे ना इसका ये जो ग्रिप है बहुत अच्छा लगता है पकड़ने में, मैप्ड का काफ़ी ईजी हो जाता है सर्कल बनाना इससे। एंड इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो कुछ इस टाइप का दिखता है ना, टोटली मेटल का बना हुआ है। एंड डिवाइडर भी आपको सेपरेट देखने को मिल जाता है इनबॉक्स में, तो ये मेटल, ये डिवाइडर है आप देख सकते हैं, मेटालिक है पूरा। ये भी अगेन डिवाइडर भी मेटालिक हमको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है ना। वेट भी जो है वो काफ़ी प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किया गया है, तो बनाने में बिल्कुल अच्छा लगता है इसे, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ रख देता हूँ साइड में। ये जो हमारे पास हमारा कंपास है, इससे मैं आपको सर्कल बना के बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल हमको दी जाती है, इसमें मैकेनिकल पेंसिल का ऑप्शन नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल पेंसिल दी जाती है हमको इसमें, ठीक है। तो इसको इसमें मैं फिट कर लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रू मैकेनिज्म है, ठीक है, और इसको मैं लगा लेता हूँ। अच्छा, ये वाला जो कंपास है गाइस, इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप सोच रहे हैं लॉकिंग मैकेनिज्म क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया, जो हमारा मैप की तरफ से आने वाला स्टडी स्टॉक था, उसमें हमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ देखने को मिलता था, बट यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ये सिंपल एक कंपास है। लेकिन गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा कड़क है, काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो नॉर्मल मेजर करने में ये आपका डायमेंशन चेंज नहीं होंगे गाइस, है ना। तो बस एक ये डिफरेंस है इसमें और हमारे स्टडी स्टॉप में, ठीक है। इससे हम एक सर्कल बना के देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छे से सर्कल बन जाता है ना, काफ़ी इजीली बन रहा है। ये जो कंपास है, बस लॉकिंग मैकेनिज्म इसमें नहीं है, बाकी सिमिलर ही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से सर्कल बना रहा है, कोई इशू मुझे इसमें नहीं आया, छोटे सर्कल्स भी काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं ना। एंड इसका भी बेसिकली बाकी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर मुझे लगा। मैं आपको साइड बाय साइड एक कंपैरिजन दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, ये बेसिकली हमारा स्टडी स्टॉप का है ना। और ये वाला हमारे पास जो कंपास है, ये हमारा स्टडी का है ना। तो अंतर यही है, दोनों मेटालिक हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, दोनों सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म आपको दिया गया है ना। और यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नॉर्मल यूज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट अगर आप जैसे कंपास का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा एडवांटेज रहेगा इसको यूज़ करने में, है ना। ओके, इसको रखता हूँ मैं वापस साइड में। बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की, बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। तो गाइज हमको इरेजर एंड रबर सेम, एक इरेजर एंड शार्पनर सेम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल गाइज जो हमको देखने को मिलता है इस बॉक्स में, वो ये सब है। यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है ये बॉक्स ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ पे इरेजर है, शार्पनर है, डिवाइडर, कंपास विथ अ पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल है, दो सेट स्क्वायर है, ठीक है, सेट स्क्वायर्स का सेट है, और प्रोटेक्टर एंड रूलर। तो ये 15 सेंटीमीटर का रूलर, तो ये सब गाइस हमको इस बॉक्स में देखने को मिलता है। द मेजर डिफरेंस जो स्टडी स्टॉप एंड स्टडी में आता है, वो सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे जो कंपास देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये, इसमें आपको कोई भी लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, बाकी गाइस ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर हैं। एंड एक और कोर डिफरेंस ये था कि इसमें आप बस आपको एक नॉर्मल पेंसिल मिलती है, आपको यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जैसे आपको गाइस एक दिखा देता हूँ मैं, आपको एक मैकेनिकल पेंसिल भी देखने को मिली थी, यहाँ अंदर छुपी हुई है, आप देख पा रहे हो, तो ये एंड इसकी लीड्स मिले थे, तो वो आपको नहीं मिलती है, एंड लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ इस बॉक्स में गाइस सिमिलर है ना। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बॉक्स की तरफ, जो कि सबसे सस्ता मिला हमको, देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो गाइस अब आ चुका है हमारे पास हमारा सबसे सस्ता बॉक्स फ्रॉम मैप्ड, तो वो है गाइस मैप्ड का असेंशियल सीरीज से 9 पीस मैथ सेट, ठीक है। यहाँ पे हमको जो इसका MRP है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे MRP 99 रुपीज मेंशन है, कुछ डिटेल्स यहाँ पे साइड लुक इसका, ये फ्रंट है, ये वाला साइड राइट साइड। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं गाइस जल्दी से। तो ये हमने इसको निकाल लिया बाहर, बॉक्स को रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमको जो देखने को मिलती है क्वालिटी, वो कुछ ऐसी है, मेटालिक बॉक्स है, ठीक है। काफ़ी अच्छा मुझे सिंपल है, काफ़ी अच्छा मुझे फिनिश लगा, मेटालिक मैप की ब्रांडिंग, इसको पीछे कुछ भी नहीं है। ओपन कर लेते हैं गाइस अंदर क्या है, तो ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप का ये बॉक्स दिखता है, इसके अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं हमारे प्रोटेक्टर, तो ये कुछ प्रोटेक्टर आ गए हैं, यहाँ पे हमारे मिल जाते हैं सेट स्क्वायर, है ना। एंड हमको देखने को मिलता है एक रूलर गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे रूलर की क्वालिटी तो अच्छी है, पर ये जो प्रोटेक्टर है डेफिनेटली गाइस मुझे थोड़ा सा एज कम्पेयर टू स्टडी स्टॉप से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, या इवन स्टडी से भी करूँ, तो हल्का सा मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम लगी। मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड दिखा देता हूँ गाइस, तो एक बेटर आइडिया आपको लग जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास मैप की तरफ से स्टडी आ गया है, उसका प्रोटेक्टर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, इसमें जो है वो फ्लेक्स काफ़ी कम है, एंड इसमें हल्के से में ही फ्लेक्स आ रहा है, ठीक है।
तो डेफिनेटली गाइस प्राइस भी इसका ऑलमोस्ट आधा है, तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। बट मेन चीज़ ये नहीं है, इसको आप टोटली यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल आप प्रॉपरली इसको यूज़ कर पाएंगे। बस एक पॉइंट था तो मैंने मेंशन कर दिया है ना। और देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या मिलता है। तो मेन चीज़ अगेन एक ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा हमेशा कहता हूँ, वो है कंपास एंड डिवाइडर। तो गाइज यहाँ पे हमको जो कंपास देखने को मिलता है ना, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ गाइज कि जो 100 रुपीज़ के नीचे वाले ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उनमें इनकी बिल्ड क्वालिटी जो होती है कंपास एंड डिवाइडर की काफ़ी कम हो जाती है गाइज, है ना। और मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ जिसमें अंडर 100 रुपीज़ में हम सारे ज्योमेट्री बॉक्सेस जो भी है उनका एक डिटेल कंपैरिजन आपको बताएंगे एंड बताएंगे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा, है ना। अंडर 100, 150 एंड 250 ये तीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा गाइस। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे आप उन वीडियोज़ को मिस ना करें, है ना। ओके तो गाइज यहाँ पे हम इस ज्योमेट्री इसको देखते हैं गाइज, इस कंपास को देखते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है अगेन मेटालिक है पूरा, ये थोड़ा सा थिन है, ठीक है। एंड ऊपर से पकड़ने में ये जो मैप ने राउंड बॉडी दी है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, नहीं तो जनरली क्या होता है कई बार कंपास में एक साथ ये रेक्टेंगल रहता है एंड स्ट्रेट रहता है, तो उसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा राउंड होता है तो ग्रिप अच्छा बनता है। मेटेलिक है, यहाँ पे इसका एक स्क्रू मैकेनिज्म दिया गया है, यहाँ पे एक पेंसिल आती है, नॉर्मल पेंसिल है, मैकेनिकल नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना, एंड सर्कल वगैरह बना सकते हैं। तो इससे मैं आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप की क्वालिटी हमको देखने को मिल जाती है। तो अगेन अच्छे से सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो बड़ा छोटा दोनों सर्कल आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको कोई भी लॉकिंग मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता, बट ये सफिशिएंटली टाइट है, ये फ्रिक्शन से ही ऑपरेट हो रहा है, सफिशिएंटली टाइट है गाइज, आपको बनाते वक्त ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा बना रहे हैं दब जाए, काफ़ी टाइट है, मतलब ये काफ़ी टाइट है, ठीक है। तो फॉर 99 रुपीज़ अच्छी क्वालिटी है गाइज, 99 रुपीज़ में बॉक्सेस कहाँ आते हैं अच्छे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी। इसके बाद देख लेते हैं एक शार्पनर, एक रबर आता है गाइज, इसमें शार्पनर चेंज हो गया है, ठीक है। जो पहले हमें शार्पनर मिल रहा था वो कुछ ऐसा मिल रहा था, इस टाइप का शार्पनर मिला था हमें स्टडी स्टॉप एंड स्टडी में, इसमें हमारा थोड़ा सा और ट्रेडिशनल जो पहले आते थे वैसा शार्पनर दिया गया, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसको हटा देता हूँ मैं, और हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक डिवाइडर, तो उसको निकालता हूँ मैं। डिवाइडर भी अगेन गाइस मेटेलिक देखने को मिलता है, तो ये डिवाइडर है, ठीक है। डिवाइडर में थोड़ा सा अलाइनमेंट का आई थिंक इशू है ना, आगे पीछे, बट आई गेस अगर आप 99 का ज्योमेट्री बॉक्स ले रहे हैं तो आप उसको स्कूल यूज़ में यूज़ करेंगे, एंड स्कूल में इतना ज़्यादा जूनियर क्लासेस में इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेटालिक है, अच्छी मुझे क्वालिटी लगी, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इतना टाइट नहीं है, तो ठीक है आपका काम चल जाएगा गाइस इसमें, वैसे भी इसमें आपको मेजर करना होता तो उतना दबाएंगे नहीं आप इसे, ठीक है। तो काफ़ी मुझे 99 रुपीज़ के हिसाब से गाइस डेफिनेटली मुझे जो इसकी क्वालिटी लगी मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी, मतलब 99 रुपीज़ में मैंने और भी ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ कर रखे हैं अंडर 100, मुझे कहीं ना कहीं तो उनमें इशू लगा ही है, एंड इसको डेफिनेटली यूज़ करते वक्त गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा पतला ज़रूर है डेफिनेटली, अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं स्टडी स्टॉप के कंपास से तो उतना अच्छा तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना, उस इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट डेफिनेटली फॉर 100 रुपीज़ गाइज दिस इज़ वर्थ इट। तो गाइज ओवरऑल हमें इस बॉक्स में ये सब देखने को मिल जाता है, द बॉक्स इटसेल्फ, एक नॉर्मल पेंसिल, डिवाइडर, कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, रूलर, एक इरेजर एंड एक शार्पनर गाइज। तो ये सब हमको इस बॉक्स में देखने को मिलता है, तो 99 रुपीज़ के लिए मुझे क्वालिटी डिसेंट लगी। ओके गाइज तो अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट पे कि आपको इन तीनों बॉक्स में से कौन सा लेना चाहिए एंड क्यों। तो मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ गाइज कि जो भी इनका MRP है उसके लिए हर बॉक्स मुझे वर्थ इट लगा, है ना, जो भी प्राइस में आते हैं ये सारे अच्छे बॉक्सेस हैं। बट अगर आप पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन पूछें, और सबसे पहले मैं आपको इनमें से डिफरेंस बता देता हूँ, तो उससे आपके लिए सिलेक्शन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा गाइज यहाँ पे। तो ये तीनों बॉक्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, इसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। तो इसका जो MRP है इसका अराउंड आपको 235 है, इससे कम में भी मिल जाता है। इसका जो आपको स्टडी है हमारे पास, ये स्टडी स्टॉप था, स्टडी है इसका प्राइस 160 है, एंड इसका 99 है। तो ये तीनों बॉक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो मेन जो डिफरेंस मुझे लगा गाइस इसमें वो ये है कि इसके अंदर जो आपको कंपास देखने को मिलता है एंड आपको स्टडी के अंदर जो कंपास देखने को मिलता है उसमें मेन डिफरेंस है लॉकिंग मैकेनिज्म का। जो स्टडी स्टॉप है कॉस्टली वाला, उसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है जिससे आप इसको लॉक कर सकते हैं एंड ये मूव नहीं करेगा। एंड जो हमारा नॉर्मल 160 वाला है उसमें सेम ही आपको बेसिकली कंपास मिलता है, क्वालिटी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस
लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है। तो क्या इसके बिना आप यूज़ नहीं कर सकते? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे, है ना। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप मेजर करेंगे तो ये लूज़ है। देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो इतने ईजिली ये नहीं हिल रहा, बट फिर भी गाइस यहाँ पे जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही है। ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। आप इवन ताकत लगाएंगे तो भी गिर भी जाएगा तो भी मूव नहीं करेगा ना। तो ये एक डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस आता है ऑफ मैकेनिकल पेंसिल। यहाँ पे आपको गाइस ये जो कॉस्टली वाला है इसके अंदर आपको नॉर्मल पेंसिल के साथ एक मैकेनिकल पेंसिल भी देखने को मिलती है छोटी सी, एंड उसके साथ लीड बॉक्स भी मिलता है जिसमें 10 लीड्स आती हैं। इसमें वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है गाइस इनके प्राइसिंग में अराउंड 75 रुपीज़ का, तो वो इसीलिए है कि लॉकिंग मैकेनिज्म एंड मैकेनिकल पेंसिल का गाइस। बाकी हम बात करें 169.99 वाले बॉक्स में, तो गाइस इसमें जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इन तीनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप जा सकते हैं हमारे बीच वाले बॉक्स के साथ जो 160 में आता है, दैट इज़ मैप्ड का स्टडी। अंडर 150 आपको ये मिल जाएगा बॉक्स। एंड गाइस मुझे पर्सनली इसकी जो क्वालिटी है ना फॉर 150 रुपीज़ काफ़ी अच्छी लगी। मतलब 150 रुपीज़ में और भी बॉक्सेज आते हैं फ्रॉम वेरी डिफरेंट ब्रांड्स। मुझे पर्सनली ये बॉक्स बहुत ज्यादा पसंद आया। हम एक डिटेल कंपैरिजन भी लाने वाले हैं काफी सारे ब्रांड्स का, जिसमें हम सारे 150 की जिनका प्राइसिंग है 150-160 उनको ले लेंगे एंड कंपेयर करेंगे। एंड मुझे अभी से पर्सनली लगता है गाइस कि ये कहीं ना कहीं विनर बनने की काबिलियत ये वाला बॉक्स रखता है। तो मुझे इसमें काफी ज्यादा, इसमें ऐसा फैंसी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी फैंसी एलिमेंट नहीं है, बट जो इसकी प्रोडक्टिविटी ऑफर करता है, जो ये यूजेबल टूल्स ऑफर करता है, बिल्ड एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। अब सवाल उठता है कि क्या हमको ये लॉकिंग मैकेनिज्म वाला नहीं लेना चाहिए? तो गाइज यहाँ पे ये जो बॉक्स आता है हमारे पास, है ना, फॉर 235 रुपीज़, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो स्टडी हमारे पास बॉक्स, स्टडी स्टॉप हमारे पास बॉक्स आता है फॉर 235 रुपीज़, ये काफ़ी अच्छा है। इसका आपको कब ये बॉक्स लेना चाहिए? तो अगर इसका गाइस जो प्राइस है वो आपको अराउंड 190-200 तक भी मिलता है ना, तो गाइस डेफिनेटली ये बॉक्स वर्थ इट हो जाता है। इसमें जो लॉकिंग मैकेनिज्म आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग है या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी गाइस ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली गाइस मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाले वर्जन के साथ जाएं। इसके टूल्स आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, एंड स्पेशली लॉकिंग मैकेनिज्म मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। बाकी स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, है ना। अगर आपको डेफिनेटली, अगर जैसे आप जूनियर क्लासेस में ले रहे हैं एंड अगर आप चीज़ों घुमाते नहीं, तो मैं कहूंगा आप ये वाला ले लीजिए। बट अगर आपको ऐसा है कि आप चीजें घुमा देते हैं एंड आप ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो ये गाइस ये वैल्यू फॉर मनी हमारा मैप्ड का स्टडी भी काफी ज्यादा है, है ना। और लास्ट में हमारे पास बचता है 99 रुपीज़ वाला। तो गाइस अगर आपका स्ट्रिक्टली बजट 100 रुपीज़ है ना, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा अगर आप बड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो 100 रुपीज़ के ऊपर 50 रुपीज़ और बढ़ाइए एंड आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है। बट अगर आपका फिर भी स्ट्रिक्ट बजट है, डेफिनेटली गाइस 99 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता इससे अच्छा बॉक्स आपको मिलने वाला है। बट फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, एक कंपैरिजन लाएंगे ऑफ 99 अंडर 100 रुपीज़ वाला, उसमें हम आपको फॉर श्योर बता पाएंगे कि क्या इससे बेटर क्वालिटी भी मार्केट में अवेलेबल है फॉर 100 रुपीज़। लेकिन अभी के लिए 150 में तो गाइस मैप्ड का स्टडी मुझे काफ़ी पसंद आया है, है ना। एंड फॉर 99 रुपीज़ दिस ऑफर्स ग्रेट क्वालिटी। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ गाइस आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल स्टूडेंट यार्ड आपको नीचे दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी सारा फीड डालते रहते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द सीन्स हम डालते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। मैंने देखा काफ़ी आप में से काफ़ी लोग मुझे DMs भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो उनके हम डायरेक्ट आंसर वहाँ पे दे पाते हैं काफ़ी इजीली। तो अगर डायरेक्ट बात करनी हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस। तो गाइस आगे आपके लिए लाने वाला हूँ अंडर 100, अंडर 150, अंडर 250 रुपीज़ के बीच में एक मेगा कंपैरिजन, सारा ब्रांड्स कंपेयर करेंगे एंड आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बॉक्स सही है। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस बटन को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर गाइस, बाय बाय।